हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए जून महीने की सैलरी और डीए एरियर्स पर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं, जिसे जानना सभी जन कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सबसे बड़ी बात, डीए में बढ़ोतरी का जल्द ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो पीएफ का पैसा है उस पर भी, जो जमा हुआ है उस पर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बेसिकली जुलाई में सरकार अपने कर्मचारियों को तीन बड़े तोहफे दे सकती है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन बड़े तोहफे मिल सकते हैं। सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से लेकर बकाया राशि के भुगतान तक प्लान पर काम कर रही है। खबर है कि डीए में बढ़ोतरी के साथ बकाया डीए के भुगतान पर पीएफ का ब्याज यानी जो पीएफ इंटरेस्ट है उसकी रकम भी सरकारी कर्मचारियों के खाते में जमा करा सकती हैं। कर्मचारियों का 18 महीने के डीए नहीं मिला, जिसे सरकार ने कोविड की वजह से होल्ड कर दिया था। बकाया डीए का भुगतान हो सकता है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए का भुगतान अगले महीने तक कर सकती है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक का कुल 18 महीने का डीए बकाया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये का बकाया डीए एरियर मिल सकता है। कर्मचारी लगातार इससे भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, ये मीडिया में खबरें आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। सरकार की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। डीए में इजाफा हुआ। दूसरी खबर है कि सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बड़ा इजाफा कर सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के डीए में 5 से 6% तक बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल 34% की दर से कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। सरकार ने इस साल मार्च में 3% डीए बढ़ाया था। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। तीसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो पीएफ के इंटरेस्ट पर है, पीएफ के ब्याज पर है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के ब्याज दर पर अपनी मुहर लगा चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.01% ब्याज दर तय किया गया था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में पीएफ पर 8.5 ब्याज मिल रहा था। ब्याज दर कम होने से 6 करोड़ से अधिक नौकरी पैसा लोगों को थोड़ा सा इसमें निराशा हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जुलाई में कर्मचारियों के खाते में पीएफ के ब्याज का पैसा जो है वो डाल सकती है। तो आगे आने वाले जुलाई महीने में 2 से 3 बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए देखने को मिल सकती हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा।